Hello everyone, I am Arzu Chauhan. In this video, I am going to talk about Wood Dispatch 1854. Wood Dispatch Sir Charles Wood के द्वारा लाया गया था. अब हम जान लेते हैं चार्ल्स वुड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें. चार्ल्स वुड वॉज अ ब्रिटिश लिबरल पॉलिटिशियन. चार्ल्स वुड एक ब्रिटिश लिबरल पॉलिटिशियन थे एंड ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके थे. ही सर्व्ड एज अ चांसलर ऑफ एक्सचेकर फ्रॉम 1846 टू 1852. इन्होंने क्या है कि चांसलर ऑफ एक्सचेकर के पद पर भी 6 साल तक काम किया. लेटर ही बिकम अ प्रेसिडेंट. उसके बाद क्या प्रेसिडेंट बन गए थे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट के पद पर भी इन्होंने काम किया. देन In 1854, he sent the Wood Dispatch to the Governor Lord Dalhousie. इन्होंने 1854 में Wood Dispatch, Wood का घोषणा पत्र Lord Dalhousie को सेंट किया. अब हम जानते हैं कि क्या था Wood Dispatch. चले आगे देखते हैं कि the company's charter was reviewed and modified after 20 years. उस समय क्या था कि हर 20-20 साल में जो भी एजुकेशनल पॉलिसीज हुआ करती थी उसे रिवाइज किया जाता था. देन आफ्टर डिफिक्शन इन 1833 इट वाज अगेन टू बी मॉडिफाइड इन 1853 एंड हैंस वन मेंबर कमेटी एवेल्युएटेड द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन एजुकेशन. तो क्या होता था कि हर 20-20 साल में जैसे कि 1773 में रिवाइज की गई थी, उसके बाद उसके 20 साल बाद 1830 में, फिर उसके 20 साल बाद 1833 में, फिर उसके बाद क्या आया कि 1853 का टाइम आया. तब क्या थे कि जो चार्ल्स वुड थे वो प्रेसिडेंट भी थे, तो उनको क्या है एक कमेटी बनाई गई, वन मेंबर कमेटी, जिसमें चार्ल्स वुड जो थे मेंबर थे. उन्हें ये काम दिया गया कि आप देखिए कि इंडियन एजुकेशन की क्या उसमें क्या कमियां हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप एक रिपोर्ट पेश कीजिए कि हमें क्या क्या सुधार करने चाहिए, क्या क्या समस्याएं हैं. तो चार्ल्स वुड ने क्या किया कि पूरी की पूरी इंडियन एजुकेशन की पूरा सर्वे किया और ये देखा कि इंडियन एजुकेशन में क्या क्या कमियां हैं, इसे किस किस तरह से हम दूर कर सकते हैं. तो इन्होंने अपनी पूरी एक रिपोर्ट पेश की, वो की थी इन्होंने 1854 में, ठीक है. इन्होंने पूरा सर्वे किया, पूरा निरीक्षण किया, उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट पेश की, जिसको ही कहते हैं हम वुड डिस्पैच, ठीक है. अब वुड डिस्पैच इसको इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि ये चार्ल्स वुड ने ही लेके आए थे, तो उनके नाम पर ही इसका नाम वुड डिस्पैच रख दिया गया था. अब जान लेते हैं कि वुड डिस्पैच जो था उसके क्या क्या एम्स थे एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे. सबसे पहला था टू रेज द मोरल करेक्टर, कि जो भारतीय हैं उनका जो चरित्र है, उनका जो मोरल करेक्टर है उसको बढ़ावा देना, ठीक है, उनके चरित्र का निर्माण करना, उनको बढ़ावा देना. दूसरा था डिफ्यूजन ऑफ वेस्टर्न लैंग्वेज, जो वेस्टर्न लैंग्वेज थी, इंग्लिश लैंग्वेज थी, उसको उसका प्रसार करना, उसको भारतीयों तक पहुंचाना. अगर भारतीय पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्या उन्हें इंग्लिश आएगी, नहीं आएगी. तो क्या था जो वेस्टर्न लैंग्वेज है उसको क्या है बहुत से लोगों तक पहुंचाना ही इसका काम था. देन टू प्रोवाइड कैपेबल सर्वेंट, अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या था, उनको क्या सस्ते दामों पर मजदूर चाहिए थे, ठीक है, अपने काम करने के लिए वर्कर चाहिए. तो इंडियन से बेहतर उन्हें कोई नहीं मिलता. अगर वो बाहर से, ठीक है, अपने देश से मंगवाते काम करने के लिए तो उनको बहुत ज़्यादा सैलरी पे करनी पड़ती, बट इंडियंस को इतनी सैलरी नहीं पे करनी पड़ती थी. तो क्या था इनका जो मोटिव था वो था कि कैपेबल सर्वेंट्स जो हैं उन्हें पढ़ाया लिखा जाए, उन्हें नौकर जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाएं. टू द पीपल ऑफ इंडिया बी मेड फैमिलियर विद द वर्क ऑफ यूरोपियन ऑथर्स, तो उनको क्या है इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया जाए, यूरोपियन लिटरेचर पढ़ाया जाए, जिससे कि वो यूरोप के कल्चर के बारे में, उनके ऑथर्स के बारे में फैमिलियर हो पाए. देन टू सिक्योर फॉर यूके अ लार्ज एंड अश्योर सप्लाई ऑफ मनी ऑफ मैनी आर्टिकल्स नेसेसरी फॉर देयर मैन्युफैक्चरर, तो क्या था भारत से जो कच्चा माल था, ठीक है, भारत से सामान बना बना के ये विदेशों में भेजते थे, ठीक है, इंग्लैंड में भेजते थे. तो इनका जो ये काम था वो ये था कि यूके के लिए सिक्योर करना लार्ज सप्लाई, ठीक है, सप्लाई और जो सामान या मजदूर यहाँ बना बना के भेजेंगे उसे वहाँ पर सप्लाई करना भी इसका एक मोटिव था. देन
इन दिस म्यूचुअल गिव एंड टेक द ब्रिटिश लेबर वॉज एक्सपेक्टेड टू बिकम टू गिव बिकॉज देयर प्रोडक्ट्स कुड नॉट बी मच डिमांडेड इन इंडिया. ठीक है, वो क्या इस पे राजी भी हो गए, एग्री भी हो गए, ठीक है, म्यूचुअली, क्योंकि जो वो प्रोडक्ट बनाते थे इंडिया में उसकी डिमांड नहीं होती थी. तो क्या था, वो सारा का सारा प्रोडक्ट जो थे वो क्या है, बाहर भेज दिए जाते थे, इंग्लैंड भेज दिए जाते थे. ये तो क्या था, ये इसका वो डिस्पैच का मेन मकसद था कि करेक्टर को बिल्ड करना, देन क्या है, वेस्टर्न जो नॉलेज है उसको डिफ्यूज़ करना, देन टू प्रोवाइड कैपेबल सर्वेंट्स, एंड क्या था कि जो इंडियंस हैं उनको यूरोपियन ऑथर्स के बारे में फैमिलियर करवाना, और जो लार्ज सप्लाई है वो यूके को प्रोवाइड करवाना, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे. एंड एज पर दिस डिस्पैच, इस डिस्पैच में क्या बातें कही गई कि एन एजुकेशन डिपार्टमेंट was to be sent in every province, जितने भी provinces हैं वहाँ पर हर जगह क्या है, एक एक education department बनाया जाएगा. Then universities on the model of London universities be established in big cities such as Bombay, Calcutta and Madras. जो भी बड़ी बड़ी cities हुआ करती थी उस time, Bombay, Calcutta और Madras में London university के theme पर universities बनाई जाएंगी जहाँ पर higher educations provide करवाई जाएगी. At least one government school to be opened in every district. हर district में एक कम से कम एक स्कूल तो बनाना अनिवार्य कर दिया गया था. देन एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स शुड बी गिव ग्रांट इन एड, जितने भी एफिलिएटेड जो भी स्कूल जो थे वो लिंक थे गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ, एफिलिएटेड थे, उनको क्या है, ग्रांट इन एड, उनको सरकारी सहायता प्रदान करने की बात कही गई थी. देन द इंडियन नेटिव्स शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन देयर मदर टंग ऑल्सो, जितने भी जो नेटिव पीपल्स थे इंडिया के उनको क्या है, उनकी मदर टंग में, उनकी मातृभाषा में ट्रेनिंग देने की बात कही गई थी वो डिस्पैच में. द वो डिस्पैच इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कई बार क्वेश्चंस में ये स्टेटमेंट दे दी जाती है मैग्ना कार्टा के बारे में. तो इसमें क्या था, मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट जिसमें कि सारे रिकमेंडेशंस हों. ठीक है, ये जो चार्ल्स वुड ने जो रिकमेंड जो मैग्ना कार्टा बनाया था वो उसमें कितने 100 पैराग्राफ्स थे. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था, तो इस डॉक्यूमेंट को शॉर्ट करके इसके कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं वो आगे वीडियो में बताई गई हैं, क्योंकि 100 पेजेस का जो 100 पैराग्राफ्स का डॉक्यूमेंट था एक बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट था. तो इसीलिए क्या है, इसको एक इंडियन एजुकेशन का क्या, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है. Then, in accordance with Wood Dispatch, Education Department was established in every province and universities were opened in Kolkata, Bombay and Madras in 1857. तो क्या बात कही गई थी कि जो ये तीन states हैं यहाँ पर क्या है, universities खोली जाएंगे, London University जैसी ही. Then लेटर मोन यूनिवर्सिटीज वर ओपन इन पंजाब, फिर पंजाब में 1882 में, एंड अलाहाबाद में 1887 में भी यूनिवर्सिटीज जो है वो ओपन करी गई थी. अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी वो डिस्पैच ने कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, किसका जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एजुकेशन प्रोवाइड करने की. चलिए देखते हैं कि मेन रिकमेंडेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच. सबसे पहले बात है गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस ऑफ एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. गाइस, एक बहुत बड़ी बात है कि पहले क्या था कि गवर्नमेंट एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं थी जो भारतीयों को देते हैं. इसमें ये बात कही गई थी चार्ल्स वुड के द्वारा कि जो भी अगर आप पढ़ाना चाहते हो भारतीयों को तो सारी जिम्मेदारी ब्रिटिशर्स को लेनी होगी. तो क्या है, गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. द डिस्पैच फॉर द फर्स्ट टाइम क्लियरली एक्सपेक्टेड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया लाइज ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, पहली बार ये बात कही गई थी कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको एजुकेशन देने की वो कौन उठाएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाएगी. देन एम ऑफ एजुकेशन, द डिस्पैच डिफाइंड द एम ऑफ एजुकेशन कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियंस. क्या है, इंडियंस के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर के उनको एजुकेशन दी जाएगी एंड द ब्रिटिश रूल, उनके इंटरेस्ट को भी और ब्रिटिशर्स के रूल को भी ध्यान में रखकर एजुकेशन दी जाएगी. एजुकेशन इज टू रेज द इंटेलेक्चुअल फिटनेस एंड मॉरल करेक्टर ऑफ इंडियंस. देखिए क्या था कि उनका जो इंटेलेक्चुअल है, उनका जो बौद्धिक
विकास है उसको ध्यान में रखकर, उनके मॉरल करेक्टर को ध्यान में रखकर उनको शिक्षा दी जाएगी। एट द सेम टाइम इट वॉज टू बी प्रिपेयर दैम टू बिकम सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया। और इसके साथ साथ क्या है, उनको ऐसा बनाया जाएगा कि वो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर बने, ना कि उनके अगेंस्ट जाए। ठीक है, उनको क्या है, सस्ते क्लर्क चाहिए थे, नौकर चाहिए थे, तो ये जस्ट नौकर बनाना चाहते थे इंडियंस को। उसके बाद क्या, ओरिएंटल लैंग्वेजेस, देन द डिस्पैच एस्टैब्लिश्ड एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेज। मिस्टर वुड हैड रिकग्नाइज्ड द यूजफुलनेस ऑफ संस्कृत। वुड जो मिस्टर वुड थे, उनको पता था कि संस्कृत, अरबिक, पर्शियंस, ये सारी जो लैंग्वेजेस है ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, यूजफुल हैं, एंड रिकमेंडेड दैम एज अ स्टडी, एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन रेगुलर इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने इन लैंग्वेजेस को भी क्या है, इंस्टीट्यूशंस में स्टडी के लिए क्या किया, रिकमेंड किया कि ये लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाए। लाइक मैकाले, ही ऑल्सो रिकोगनाइज द यूजफुलनेस इन वेस्टर्न नॉलेज ऑफ इंडियंस। तो क्या है, वो क्या जो मैकाले ने कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जानी चाहिए, वेस्टर्न कल्चर पढ़ाना जाना चाहिए, वो इस पर भी एग्री थे, वो मानते थे कि ये भी पढ़ाया जाए। बट इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि हम इंडियंस को उनकी लैंग्वेज संस्कृत, अरबिक, पर्शियन जो हैं वो भी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाएं। उसके बाद इन्होंने बात करी थी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की। द डिस्पैच रिकमेंडेड द owing to the shortage of book in Indian languages, उनको ये पता था कि जो Indian languages की book है वो क्या है, उनकी shortage है। The medium of instruction should be English, ये चाहते थे कि medium of instruction क्या रहे, English ही रहे। But English should be needed for those people who have proper knowledge and taste for English, but ये कहते थे कि English उन्हीं को पढ़ाई जाए जिनको English में interest हो, ठीक है, जिनका टेस्ट इंग्लिश हो, ठीक है, उनको ही पढ़ाई जाए जो समझ सके, देन टेस्ट एंड आर एबल टू अंडरस्टैंड यूरोपियन नॉलेज थ्रू दिस लैंग्वेज फॉर अदर लैंग्वेजेस। तो क्या था, शुड बी यूज्ड, अगर जो इंडियंस इंटरेस्ट लेते हैं इंग्लिश में, समझ सकते हैं, तो उनको तो पढ़ाई जाए, और जो नहीं समझ सकते उनको अदर लैंग्वेजेस में क्या है, शिक्षा दी देनी चाहिए। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट। द डिस्पैच डायरेक्टेड दैट द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन एवरी प्रोविंस, हर प्रोविंस में क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाना चाहिए। दिस डिपार्टमेंट वॉज टू इंस्पायर स्कूल्स इंस्पेक्ट स्कूल एंड गाइडेड टीचर। ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था ये क्या था, स्कूल को इंस्पेक्ट करेगा, स्कूल का निरीक्षण करेगा, और जितने भी टीचर्स हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, तो इसमें क्या कहा गया था कि द डिस्पैच रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है, और एंड अदर प्लेसेज ऑल्सो। तो क्या है, डिफरेंट प्लेसेज पर, और सबसे इम्पॉर्टेंट था ये तीन जो हमारे स्टेट थे, यहाँ पर लंदन यूनिवर्सिटी के थीम पर क्या है, यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी हायर एजुकेशन के लिए। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड स्कूल्स। द डिस्पैच रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी अ ग्रेडेड स्कूल ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, ग्रेडेड स्कूल बनाए जाएंगे। इसमें क्या क्या था, यूनिवर्सिटीज़, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, प्राइमरी स्कूल, देन मिडल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, इस तरह से क्या है चीज़ें बनाई जाएंगी, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। उसके बाद क्या बात करी गई थी, एक्सपेंशन ऑफ मास एजुकेशन, कि सभी लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। द डिस्पैच एडमिटेड दैट मास एजुकेशन हैज़ बीन टोटली निगलेक्टेड, क्योंकि पहले क्या था कि कुछ ही लोगों को, ठीक है, फिल्ट्रेशन थ्योरी आई थी, उसमें क्या था कि एजुकेशन छन छन करके क्या सब तक पहुंचेगी, कि अमीर वर्ग के लोगों को एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, और वो क्या है, गरीब वर्ग के लोगों को देंगे। बट इसमें क्या बात कही गई थी कि इसमें कहा गया था कि मास एजुकेशन होनी चाहिए, सभी लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, एजुकेशन सबका अधिकार है। देयरफॉर द डिस्पैच डायरेक्टेड दैट यूजफुल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज शुड बी कन्वेड टू मासेस। तो क्या था कि प्रैक्टिकल नॉलेज और यूजफुल नॉलेज सभी को प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए। टू अचीव दिस पर्पस द डिस्पैच रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ हाई स्कूल। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कूल्स, मिडल स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स एंड इंडिजीनियस स्कूल ऑल्सो, जो घरेलू स्कूल होते हैं, ठीक है, जो लोगों जो कि हर जगह मौजूद होते हैं, लोग घरों में भी खोलते हैं, तो क्या उस तरह के स्कूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा होने चाहिए। वर रिगार्डेड एज द फाउंडेशन अपॉन द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन कुड बी कंस्ट्रक्टेड। तो इसी तरह से क्या है, एजुकेशन सबको मिल पाएगी, कि अगर जगह जगह बहुत सारे स्कूल होंगे तो लोग पढ़ेंगे।
उसके बाद इन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग की भी बात कही थी कि ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग टीचर्स वुड नॉट बी एबल टू टीच वेल। अगर टीचर्स ट्रेन नहीं होगा, उसे ही नहीं पता होगा कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, तब शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने बात कही थी कि टीचर्स को भी ट्रेन किया जाना चाहिए। द डिस्पैच रिकमेंडेड दैट नीड फॉर एस्टैब्लिशमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। इन्होंने ही बात की थी कि टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी अलग से इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। पहले टीचर्स खुद ट्रेंड होंगे तभी वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। उसके बाद क्या है, इन्होंने वुमेन एजुकेशन की भी बात कही थी। पहले क्या था, वुमेन्स की एजुकेशन को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। वुमेन्स को ऐसे समझा जाता था कि वो घर पे रहेंगी और जो मैन है वो ही एजुकेशन लेंगे। बट इन्होंने बात की थी कि वुमेन को भी पूरा अधिकार है एजुकेशन प्राप्त करने का। इन वो डिस्पैच मच एम्फेसिस वॉज गिवन अपॉन वुमेन एजुकेशन, क्योंकि अगर एक औरत पढ़ेगी तो क्या है, वो आगे अपने बच्चों को पढ़ाएगी। इस तरह से क्या है कि द डिस्पैच रिकमेंडेड दैट द एजुकेशन लैडर वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट वुमेन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन की जो लैडर है, वो जो सीढ़ी है, वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती अगर वुमेन को एजुकेट नहीं किया गया तो। इट अप्रिशिएटेड द वर्क ऑफ इनलाइटेंड इंडियंस एंगेज्ड इन द स्केयर्ड जॉब्स। तो क्या है, इन्होंने अप्रिशिएट किया था इंडियंस को, ठीक है, जॉब्स हैं उसमें इंगेज होते थे इसीलिए। देन एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने बात की कि जो शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा क्यों की जाती है, ताकि रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट के लिए शिक्षा मिले, तो इन्होंने इसकी बात की थी। द डिस्पैच रिकमेंडेड दैट अकेडमिकली एंड हाईली क्वालिफाइड पर्सन शुड बी प्रेफर्ड मोर देन द अदर फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। जो हाईली क्वालिफाइड पर्सनस हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको क्या, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी, इन्होंने इसकी बात कही थी। तो एट द एंड रिकमेंडेशन की क्या है कि फॉर ऑल द रिकमेंडेशन अबव द वुड डिस्पैच वॉज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो इन्हीं सभी रिकमेंडेशंस जो इन्होंने अभी जो आगे दी थी, तो उसी के बिहाफ पे से क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा गया था। इन स्पाइट ऑफ सिंसियर इंटेंशन ऑफ द वुड डिस्पैच गवर्नमेंट फेल्ड इम्प्लीमेंट मैनी रिकमेंडेशन। वुड ने तो अपनी जो भी रिकमेंडेशन थी वो दे दी, बट क्या है कि इनकी बहुत सारी रिकमेंडेशंस जो है वो फुलफिल हुई ही नहीं, ठीक है, एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं। इंग्लिश जो थी कॉन्टिन्यूड टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इन्होंने कहा कि इनको उनकी जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा दी जाए, बट जो गवर्नमेंट थी उन्होंने माना नहीं, उन्होंने इंग्लिश को ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा। एंड द कॉमन पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, और जो कॉमन पीपल थे उन्होंने कहा था मास एजुकेशन होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पाया, कुछ ही लोगों को शिक्षा मिली। द डिस्पैच इनकरेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर। इन्होंने टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की बात कर दी थी, जिससे क्या है कि क्वालिटी ऑफ टीचर जो है, टीचर्स की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो। अ मेजर रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच वॉज टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द कॉमन पीपल एंड टू मेक दैम वोकेशनली एफिशिएंट। और इन्होंने क्या है, इन्होंने ये बात की थी कि एजुकेशन हर एक व्यक्ति को मिले, हर एक कॉमन व्यक्ति को मिले, जिससे क्या वोकेशनली, वो व्यावसायिक तौर पर एफिशिएंट हो, अपने लिए पैसा कमा सके, अपने लिए आजीविका कमा सके। तो ये इसकी रिकमेंडेशंस की बात थी। अब आगे देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स ऑफ वुड डिस्पैच, सबसे पहला है एम ऑफ एजुकेशन। द एम ऑफ इंडियन एजुकेशन वॉज सेट, एम सेट हुआ सबसे पहले। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड दैट एम ऑफ एजुकेशन इज द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड टू क्रिएट सच अ पीपल हु वुड प्रोवाइड फेथफुल सर्विसेज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो क्या था कि एजुकेशन का जो एम था वो क्या था कि लोगों का ऑल अराउंड डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करना। और इसमें ये बात कही गई थी कि जो भी हम शिक्षा देंगे, ठीक है, शिक्षा देने के बाद क्या फेथफुल सर्विसेज ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड करने वाले सर्वेंट्स क्रिएट करना था। वैसे तो इनका मेन जो एम था वो एजुकेशन का। देन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करी गई। द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट अग्रीड दैट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द इंडियंस वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्या था कि जितनी भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी वो सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले ली थी। देन लिटरेचर एंड कल्चर,
द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर वॉज रियलाइज्ड। तो ये माना गया कि जो इंडियन का लिटरेचर है, ठीक है, भारतीय का लिटरेचर है, वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और द डिस्पैच स्टेटेड दैट लिटरेचर एंड कल्चर्स आर आइडेंटिटी ऑफ द एंड ऑफ एनी कंट्री। तो उन्होंने ये माना कि हर एक देश का अपना कल्चर होता है, ठीक है, अपनी संस्कृति होती है, अपनी सभ्यता होती है, और जो है उसकी पहचान होनी चाहिए, ठीक है, उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इन्होंने उसको क्या करा, प्रेज की थी इंडियन कल्चर की। उसके बाद है बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज। इट वॉज स्टेटेड इन वो डिस्पैच द इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस शुड बी ट्रांसलेटेड इन इंडियन लैंग्वेज सो दैट द पीपल कुड बी इंफॉर्म्ड अबाउट वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंसेस। तो क्या बात कही थी इन्होंने कि जो यूरोपियन लिटरेचर है उन बुक्स को और साइंस की बुक्स को क्या हिंदी में अनुवाद किया जाए, ताकि जो इंडियंस हैं वो भी यूरोपियन कल्चर को, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर को समझ पाएं। उसके बाद इन्होंने वुमेन एजुकेशन की बात की थी। द डिस्पैच फेल्ट दैट नीड ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर वुमेन एजुकेशन सो इट वॉज सजेस्टेड टू प्रमोट द वुमेन एजुकेशन। इन्होंने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की भी बात कही थी। देन एम्प्लॉयमेंट, वो डिस्पैच रिलेटेड एजुकेशन विद एम्प्लॉयमेंट। वो डिस्पैच क्या करते थे, शिक्षा को व्यवसाय के साथ जोड़ते थे कि अगर कोई शिक्षित है तो उसे व्यवसाय, उसे जो है रोजगार मिलना चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। अ पर्सन हु कंप्लीटेड ग्रेजुएशन वुड बी अपॉइंटेड एट अ हाई पोस्ट। जो पर्सन ग्रेजुएट है, ठीक है, उसको क्या हाई पोस्ट मिलनी चाहिए। देन स्कॉलरशिप की भी बात कही थी इन्होंने। वो डिस्पैच रिकमेंडेड दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू पुअर, गरीब जो लोग हैं उनको स्कॉलरशिप दें, ताकि टैलेंटेड स्टूडेंट्स सो दैट दे कुड गेट हायर एजुकेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम। कि शिक्षा उस वक्त बहुत महंगी थी, ठीक है, अमीर वर्ग ही उसे अफोर्ड कर पाता था। तो इनका ये मानना था कि जो गरीब बच्चे हैं, जो अच्छे हैं पढ़ाई में, उनको स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए, ताकि वो अपनी हायर स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सके बिना किसी रुकावट के। उसके बाद इन्होंने मुस्लिम एजुकेशन की भी बात कही थी। डिस्पैच स्टेटेड दैट एजुकेशन रेट अमंग मुस्लिम इज़ वेरी लो। एजुकेशन रेट जो थी, मुस्लिम्स लोग बहुत कम पढ़े लिखे हुआ करते थे उस वक्त। सो गवर्नमेंट शुड मेक स्पेशल अरेंजमेंट फॉर देयर एजुकेशन। तो गवर्नमेंट ने स्पेशल जो है अरेंजमेंट किया था मुस्लिम की एजुकेशन के लिए। अब हम बात करते हैं इसके डिमेरिट्स की, कि इसमें क्या क्या कमियाँ थी। सबसे पहला है एजुकेशन फॉर अर्निंग पर्पस। एजुकेशन को अर्निंग पर्पस के लिए माना जाता था कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप कमाओ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वुड डिस्पैच द एम ऑफ एजुकेशन वॉज टू प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर द सर्विस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या है, अगर पढ़ाया लिखाया गया है किसी को तो वो ब्रिटिशर्स के नौकर ही बनेंगे, यही इनका उद्देश्य था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट वॉज टू गेट गवर्नमेंट जॉब। ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया गया कि बड़े होकर जब आप पढ़ लिख जाओगे, ठीक है, ग्रेजुएट हो जाओगे, आप क्या करोगे, गवर्नमेंट की जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब करेंगे। दस एजुकेशन हुज एम वॉज ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी बिकम सोर्स ऑफ अर्निंग। जिस एजुकेशन का मकसद सर्वांगीण विकास करना था बच्चे का, उसकी जगह इसका क्या जो मकसद रख दिया गया, सोर्स ऑफ अर्निंग रख दिया गया, कि वो जो है पढ़ लिख कर ब्रिटिशर्स के नौकर बनेंगे और पैसा कमाएंगे। प्रायोरिटी टू इंग्लिश, इंग्लिश को ही प्रायोरिटी दी गई, कही तो गई थी कि जो उनकी मातृभाषा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, बट दी किसको गई, इंग्लिश को। प्रायोरिटी वॉज गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज। देन कलकत्ता यूनिवर्सिटी इवन मेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी उसमें भी क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही रखा गया। निगलैक्टिंग ऑफ इंडियन रिलीजन, इंडियन के जो रिलीजन है उनको क्या निगलैक्ट किया गया। वेस्टर्न एजुकेशन डिडेंट पे एनी अटेंशन टू रिलीजन। वेस्टर्न एजुकेशन बिल्कुल भी जो रिलीजन एजुकेशन, धर्म की शिक्षा, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एजुकेटेड पीपल स्टार्टेड निगलेक्टिंग देयर रिलीजन। तो क्या था, जैसे जैसे लोग पढ़ते जा रहे थे, ठीक है, तो वो क्या है, वो अपने धर्म को क्या बिल्कुल ही निगलेक्ट करते जा रहे थे, छोड़ते जा रहे थे। उसके बाद एम्फेसिस ऑन वेस्टर्न नॉलेज, वेस्टर्न नॉलेज की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया। वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंस वॉज अप्रिशिएटेड इन वुड डिस्पैच। जितने भी वेस्टर्न लिटरेचर हैं, वेस्टर्न साइंस हैं, इसी को ही अप्रिशिएट किया गया। देन वेस्टर्न एजुकेशन अट्रैक्टेड इंडियन सो मच दैट दे फॉरगोट देयर ओन कंट्रीज बेसिक एजुकेशन। ये क्या थे, सिर्फ वेस्टर्न कल्चर के पीछे भाग रहे थे, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की सभ्यता को पीछे छोड़ते जा रहे थे और भूलते जा रहे थे।
लैक ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी, जो फ्लैक्सीबिलिटी है, लोचशीलता है, उसकी बहुत कमी थी. एजुकेशन डिपार्टमेंट वॉज बाउंडेड टू द गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर पर ही क्या थे वो बंधे हुए थे. एज अ रिजल्ट द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बिकम वेरी रिजिड. अब जो भी इंग्लिश, जो भी ब्रिटिशर्स कहते थे वही काम होता था, तो क्या था, बहुत ही रिजिड था, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, उन्हीं के ऑर्डर्स पर जो इंस्टीट्यूशन है उनको चलना पड़ता था. एग्जामिनेशन सेंटर्ड एजुकेशन थी, ठीक है, एजुकेशन सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाती थी. द चीफ एम ऑफ स्टूडेंट्स बिकम पास एजुकेशन, पास द एग्जामिनेशन, जो एम था वो क्या था, सिर्फ जो आपकी एजुकेशन है क्राइटेरिया उसको पास करना था. दे डिडंट पे एनी अटेंशन टू द होल एजुकेशन, वो पूरे एजुकेशन, जो पूरी सर्व शिक्षा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, बट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने पर फोकस करते थे. नो वोकेशनल कोर्सेज, कोई भी वोकेशनल कोर्स नहीं प्रोवाइड किया जाता था. डिस्पैच एम्फेसिस दैट वोकेशनल कोर्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन एजुकेशन, बट ब्रिटिशर्स रूल टेकिंग इनटू अकाउंट देयर ट्रेड ऑब्जेक्टिव्स डिडंट इंट्रोड्यूस वोकेशनल कोर्स इन द एजुकेशन. उनको क्या करना था, उनको भारतीयों को कोई वोकेशनल कोर्स थोड़ी सिखाना था, उन्हें क्या है इस तरह से बनाना था, ऐसी शिक्षा देनी थी कि वो आगे जा करके ब्रिटिशर्स की गुलामी करें, उन्हें उनके जो ट्रेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उनके उनके लिए माल बना बना के जो है इंग्लैंड में सप्लाई करें, बस इनका यही उद्देश्य था. नो सेकुलरिज्म, ठीक है, इनके लिए क्या था, ये किसी भी, ये सभी धर्मों को समान नहीं मानते थे. ये जो क्रिश्चियंस मशीनरीज हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे. डिस्पैच स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट विल नॉट प्रोवाइड एजुकेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजियंस, बट शेड्यूल ऑफ ग्रांट इन एड शोज दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड मोर ग्रांट इन ए ग्रांट फॉर एजुकेशन ऑफ क्रिश्चियन मशीनरी. वैसे तो ये धर्म की शिक्षा नहीं देते थे और धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, बट जब ये ग्रांट इन एड प्रोवाइड करते थे, सहायता प्रोवाइड करते थे, तो क्या है, जो भी क्रिश्चियन स्कूल्स हुआ करते थे उनको ज़्यादा देते थे, बाकी धर्मों के जो स्कूल थे उनको बहुत कम देते थे. तो एट द एंड हम क्या कह सकते हैं, एक्सपेक्ट द डीमेरिट्स. डीमेरिट्स को अगर हम नज़रअंदाज करें, इट कैन बी सैड दैट वुड डिस्पैच हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द इंडियन एजुकेशन. वुड डिस्पैच का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन एजुकेशन पे, क्योंकि इससे पहले इंडियन के एजुकेशन के बारे में किसी ने बात नहीं की थी, कोई सोचता नहीं था इंडियन के एजुकेशन के बारे में. वुड डिस्पैच ही पहला था जिन्होंने एक तो वुमेन एजुकेशन के बारे में, मुस्लिम एजुकेशन के बारे में, मास एजुकेशन के बारे में बात कही थी. देन वेस्टर्न नॉलेज अवेकेंड इंडियंस, देन दे बिकम अवेयर ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फर्टर्निटी. तो क्या था, जो वेस्टर्न नॉलेज आई तभी भारतीयों को पता चला कि उनके भी कुछ अधिकार हैं, उत्तरदायित्व हैं, तब उन्हें इक्वालिटी का पता चला, लिबर्टी का पता चला, फ्रटर्निटी का पता चला. दस इंडियंस कैन बिकेम पॉलिटिकली अवेयर ड्यू टू द वुड डिस्पैच. वुड डिस्पैच के कारण ही उन्हें जो है राजनीति का पता चला, अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का पता चला. तो वुड डिस्पैच जो था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो था माइलस्टोन साबित हुआ था इंडियन एजुकेशन के लिए. सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको वो डिस्पैच समझ में आया होगा. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.